नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों, आपके कई सारे कमेंट आते हैं कि संतोष भाई हमें पीवीसी पाइप कहाँ यूज करना चाहिए, एचडीपी पाइप, लपेटा पाइप और सक्शन होस पाइप जो हरा कलर का आता है, आपने कई सारे जगह पे देखा होगा जो ज्यादा फोल्ड मोल्ड होता है वो वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप बात करने वाला हूँ कि पीवीसी पाइप के बारे में। तो ये देख सकते हैं, ये जो है 2 इंची का पीवीसी पाइप है। इसमें दोस्तों 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 12 इंची तक अलग अलग पाइप्स आते हैं, बड़े बड़े भी पाइप आते हैं। लेकिन हालांकि हमारे खेती में है ज़्यादातर यूज़ होते हैं 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची। उसके बाद दोस्तों इसमें ASTM एक पाइप आता है, वो अलग से, वो प्लम्बिंग के लिए वगैरह यूज़ किया जाता है, उसका खेती से कोई मतलब नहीं है, सफ़ेद कलर का आता है। तो ये जो दोस्तों 2 इंची की पाइप है, 3 इंची की पाइप है, ये टोटली यूज़ होता है इरीगेशन में हमारे खेती में। तो ये पाइप जो है हमारे खेत में, जहाँ पे हमारा कुआ है वहाँ से हमारा जहाँ पे खेत है वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये पीवीसी पाइप का। अभी हमारे सामने ये देख सकते हैं, ये 3 इंची का पाइप है ये वाला। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, जिसकी छोटी खेती है, पास में पाइपलाइन ले जानी है, वहाँ पे 3 इंची यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 3 इंची पीवीसी पाइप है तो हमारी मोटर कितनी रहनी चाहिए और हम इसको कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ज़रूरी बात है, सभी लोगों को जानकारी रहना चाहिए। मान लीजिए किसी का 10 एकड़ खेत है और उसका खेत दूर है, 5,000 फीट, 10,000 फीट, मतलब 250-300 पाइप डालना चाहता है, तो उसको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि उनको 4 इंची पाइप डालना चाहिए। जितना बड़ी पाइप डालेंगे उतना बेहतर रहेगा। मोटर के हिसाब से आपको पाइप डालना बहुत ज़रूरी है, आपका डिस्टेंस कितना है वो ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपकी 3 HP की मोटर है तो आप 2.5 से 3 इंची, 2 इंची पाइप डाल सकते हैं। अगर आपकी 5 HP मोटर है तो आपको 3 इंची, 4 इंची डाल सकते हैं। अगर 7.5 HP है, 12 HP है, तो आपको 4 इंची, 5 इंची पाइप यूज़ करना पड़ेगा। अब ये पाइप अगर बड़ा आप डालते तो आपका फ़ायदा क्या है कि पाइप पे लोड नहीं आएगा, फटेगा नहीं पाइप, और आगे चल के आपको एक टाइम पे आप 3-3 एकड़ खेत का इरीगेशन कर सकते हैं। अगर 4 इंची की आपकी पाइप लाइन है, 7.5 HP की पीछे मोटर है, तो 2-2 इंची बांट सकते हैं आप 2-2 सब लाइन में, तो इसका फ़ायदा ये आपको अच्छा हो जाता है। और ज़्यादातर खेती में 2 इंची और 4 इंची ही ये पीवीसी पाइप का होता है, और इसका यूज़ ज़्यादातर कहीं पे होता है नहीं, बाकी अलग जगह पे वो अलग बात है कहाँ कहाँ होता होगा, लेकिन खेती में हमारे स्पेशली 2 इंची, 4 इंची यही होता है। और सबसे ज़रूरी पाइप दोस्तों पाइप में क्या है कि जब हम अपने खेत में इस पीवीसी पाइप का जब यूज़ करते हैं, चाहे 3 इंची, 2 इंची से लेके, चाहे जितना भी बड़ा आप यूज़ कीजिए, आपको हर 700 फीट पे एक एयर वॉल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पाइप में एयर तैयार होती है, अगर एयर वॉल नहीं डालेंगे तो पाइप फटने की संभावना रहती है। पानी से तो कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, लेकिन इससे एयर से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें। अब तो ये तो हो गया पाइप का, इस पीवीसी यूज़ का और कैसे आप इसको डाल सकते हैं, और एयर वॉल के बारे में भी हमने बात की। अब बात ये है कि आपको कौन सा पाइप चूज़ करें, ये हमेशा मुझे कमेंट आता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आता है कि संतोष भाई हम पाइप पीवीसी कौन सा लें। अब देखिए, पाइप में अलग अलग वैरायटियाँ हैं, जैसे 2 kg है, 4 kg है, 6 kg, 8 kg है, 10 kg है, तो kg के हिसाब से पाइप में रहता है। जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो ये क्वालिटी रहती है, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 2 इंची का 4 kg का पाइप है, मतलब 20 किलो का 4 kg का ये पाइप रहता है। तो ये ऐसे इसको मतलब देखा जाता है, इसको 4 kg के हिसाब से। तो जब भी आप मार्केट में पाइप लेने के लिए जाते हैं तो आपको पूछना पड़ेगा कि kg क्या है, कैसे है, तो आपको कौन सा kg का पाइप यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका साधारण खेत है, मतलब वहाँ पे मिट्टी वगैरह है, कंकड़ वगैरह नहीं, तो आप 4 kg का पाइप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका इलाका पहाड़ी है, पत्थर है, पाइप फटने की उम्मीद लग रही है आपको, कंकड़ वगैरह घुस के, तो वहाँ पे आपको 6 kg आप पाइप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जितना kg ज़्यादा जाते हैं उतना पाइप का रेट बढ़ता जाएगा। अगर दोस्तों 2 इंची का पाइप अगर देखा जाए, इसकी प्राइस रेंज, अगर 2 इंची का पाइप लेते तो लगभग आपको 300 से 350 रुपये के आसपास जाएगा। अगर 3 इंची पाइप अगर लेते हैं तो आपको 490 से 600 रुपये के आसपास जाएगा। जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा। अगर आपका 6 इंची तक जाते हैं तो 1400 से लेके 1500 रुपए तक जाता है। तो ये रेट जो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, ये रेट जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिस जिससे प्लास्टिक का रेट रहता है उस हिसाब से ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये रेट फिक्स मत मान के चलिए, आपके एरिया में जिस कंपनी का आप पाइप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और इस पाइप की जो लाइफ है, अगर आपके यहाँ पे मिट्टी अगर नॉर्मल है तो बहुत 50 साल चल जाएगी, आपको लाइफ टाइम चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप धूप में रखते हैं ये पाइप, अगर सबलाइन के तौर पे यूज़ करते हैं तो ऐसे इसका कलर हो जाएगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये धूप से, और ये इसके ऊपर पैर पड़ेगा तो कट्टा से बोलेगा, और ये 7-8 साल चलेगा दोस्तों ऊपर अगर यूज़ करते हैं, और ज़मीन के अंदर अच्छी मिट्टी है तो ये कम से कम 40-50 साल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जब भी पीवीसी पाइप का यूज़ करते हैं कम से कम 3 फीट के नीचे ज़मीन के डालिए। गवर्नमेंट का भी यही कहना है, किसी के खेत से भी आप डाल रहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता, नियम के हिसाब से 3 फीट के नीचे अगर पाइप डालते, कोई ट्रैक्टर ट्रक ऊपर से जाता है तो उसके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं HDPE पाइप के बारे में। ये देख सकते हैं, मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं दुकानदार से, यहाँ पे ये पूरे लगभग 1/2 इंची से लेके 4 इंची तक हमारे पास ये सैंपल है। ये देख सकते हैं, ये 4 इंची का सैंपल मैंने HDPE पाइप का लिया है। तो ये पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा HDPE पाइप का यूज़ होता था,
जैसे कि हमारे पाइपलाइन में ही होता होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो कॉस्टली होने की वजह से लोगों ने इसका यूज़ करना कम कर दिया। अब इस HDPE पाइप का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे साइपन करना है या रोड को क्रॉस करना है ज़मीन के अंदर से, या तो कुएं में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। कुएं में मोटर से लेके मेन पाइपलाइन तक इसका 2.5 इंची 3 इंची का पाइप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस HDPE पाइप की लाइफ भी बहुत अच्छी है, ख़राब भी नहीं जल्दी होता, इसकी मोटाई अच्छी होती है और हार्डनेस भी बहुत अच्छा होता है। तो ये चूज़ करते समय भी आपको दोस्तों इसकी क्वालिटी देखनी है, कैसे क्वालिटी है, क्या है, मुलायम है, हार्ड है, नरम है, वो देख के आपको इसको चूज़ करना है। इसमें कई सैकड़ों कंपनियाँ काम करती है, चाहे UPVC पाइप में लो चाहे इस HDPE पाइप में का लीजिए आप, लेकिन इसका ज़्यादातर कम ही उपयोग होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसको कुएं में यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि जब कुएं से मोटर से पाइप ऊपर आती है तो आप वहाँ पे PVC नहीं डाल सकते, घूम नहीं सकती, ना लोहे का घूम सकता है, बस आप ये HDPE को ही घुमा सकते हैं 40-50 फीट के अंदर। या तो आपकी बोरवेल रहती है, ट्यूबवेल, उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है ज़्यादातर। तो ये सारे जगह पे HDPE पाइप का यूज़ होता है। दोस्तों अगर ये HDPE पाइप के अगर रेट्स की बात की जाए तो मैं एक थोड़ा सा आपको अंदाजे के लिए बताता हूँ। 2 इंची पाइप 120 रुपये मीटर के हिसाब से मिलता है, 120 से 130 रुपये, मतलब ये पाइप जो है टोटली मीटर के हिसाब से मिलता है आपको मार्केट में कहीं पे भी जाएंगे। तो दोस्तों ये 120 रुपये से लेके 370 रुपये तक मीटर, मतलब 5 इंची की पाइप जो है ये आप लेने जाएंगे तो आपको 370 रुपये मीटर के हिसाब से मिलेगी। तो इतना ज़्यादा इसका रेट है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है ये पाइप जो है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो लपेटा पाइप मार्केट में आता है उसके बारे में, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ज़्यादातर देखिए हमारे नॉर्थ इंडिया में लपेटा पाइप का यूज़ बहुत होता है, जहाँ पे कॉस्टली पैसा लगाने के लिए किसान भाई के पास नहीं है और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। साल भर में 2 फसल लेते हैं, जैसे पहले पैडी की लेते हैं और दूसरे बार गेहूं धान की फसल ली जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा इसका यूज़ होता है इस लपेटा पाइप का। और जहाँ को पानी को इधर से उधर ले जाना है, कुछ वक्त के लिए ले जाना है, फिर निकाल देना है पाइप को वहाँ पे, और आसान भी होता है, लपेटा पाइप को निकाल के रख दिया और फिर लगा दिया, बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो लपेटा पाइप को कई जगह पे और भी यूज़ किया जाता है, कई सारे जगह पे, जैसे कि आसानी से गन्ने को पानी देना है हमारे यहाँ पे इधर से उधर, अगर PVC पाइप कहीं पे रोड पे हमको बिछाना नहीं है कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे यूज़ होता है। और अब तो ऐसे ऐसे लपेटा पाइप आ गए तो उसके ऊपर से ट्रैक्टर ट्रक भी गुजर जाए तब भी वो फटते नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि कम खर्चे में आपको अगर फ्लड इरीगेशन आप करते हैं तो लपेटा पाइप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लपेटा पाइप आप जो है ड्रिप इरीगेशन में यूज़ नहीं, उसका हो नहीं सकता कहीं पर, ना तो उसको सबलाइन बना सकते हैं ना कुछ। लेकिन आजकल लपेटा पाइप का छोटा सा वर्जन आया है, उसका रेन पाइप भी हमने हालांकि उसमें वीडियो बनाया और हमने एक लपेटा पाइप का डिटेल में वीडियो बनाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कैसे होता है, उसका प्राइस लिस्ट। चौथा पाइप जो यूज़ होता है सक्शन होज पाइप रहता है, जो हरे कलर का रहता है, चाहे हरा, पीला, नीला, अलग अलग कलर में आता है वो, चाहे जैसे फोल्ड रहता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं छोटी सी, यहाँ पे मैं भी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। इसका खास करके हमारे यहाँ क्या है कि मतलब मोटर जो है कुएं के ऊपर रहती है और नीचे जो पाइप छोड़नी पड़ती है वहाँ पे हम यूज़ उसका करते हैं ज़्यादातर। और जैसे कि जहाँ पे मतलब कठिनाई वाली जगह है, जहाँ पे ना तो ये HDPE पाइप घूम सकता है ना तो PVC पाइप घूम सकता है, वहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। हालांकि हम कुछ साल पहले इसको साइफन के लिए भी यूज़ करते थे, लेकिन वो गाड़ी वगैरह उसके ऊपर से गुजर जाती तो वो फूट जाती थी, या तो ज़्यादा दिन धूप में उसको रखते हैं तो वो कड़क मतलब कड़क हो जाती है और टूटने लगती है, उसके टुकड़े होने लगते हैं, तो वो भी दिक्कतें आने लगी। तब उसके बाद जो है ये HDPE पाइप ही ज़्यादातर यूज़ होने लगा। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है कि टैंकर वगैरह आपने देखा होगा उसके ऊपर जो पाइप रहता है घुमाने वाला, जैसे गोल गोल आपने देखा होगा, वो HDPE टैंकर वगैरह पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। या पौधों में टैंकर लगा देते हैं और पौधे में पानी डालने के लिए भी पीछे ऐसे पकड़ के गोल 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 घुमाते हैं। लेकिन इसका यूज़ जो है बड़े पैमाने अब नहीं होता है, कम ही होता है खेती में। तो और सेक्टर में आप जाएंगे जैसे कि इंडस्ट्री में तो वहाँ पे तो बहुत सारे अलग अलग पाइप यूज़ होते हैं, लेकिन खेती में तो बहुत कम। अभी ये जो सक्शन होज पाइप जो है ये इसका बहुत ही मतलब कम यूज़ होने लगा है। ये तो हो गया हमारी खेती में यूज़ होने वाले पाइप, इसके रेट, आप कैसे क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बात करना चाहूँगा कि एक मेरा ओपिनियन क्या है कि आप कौन सा कैसे पाइप यूज़ करना चाहिए। देखिए आपकी खेती अगर बड़ी है 10 एकड़ 15 एकड़ तो आप सीधा सीधा ये जो PVC पाइप है एक अच्छे कंपनी का अच्छे KG वाला पाइप लीजिए और ज़मीन में गाड़ दीजिए, और जहाँ पे आपको पॉइंट निकालना है निकाल के वहाँ पे वॉल्व लगा के सीधा सबलाइन 2 इंची की डाल के वहाँ पे इरिगेशन कीजिए। और कुएं में अगर डालना है तो ये HDPE डाल सकते हैं, मेरा सजेशन ये है। और बोरवेल है तो वहाँ पे भी ये डालिए, रोड में क्रॉस करना है ये डालिए, साइपन करना है तो ये डालिए, और आपका गेहूँ वगैरह है सिंचाई करना चाहते हैं तो आप लपेटा पाइप बेशक यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा आज डिटेल में जानकारी ली कि पाइप कहाँ पे कौन सा कैसा, और कुछ रह गया हो आपको लग रहा है, कुछ शंका हो मन में तो कमेंट में आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।